नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर नितिका, हिम्स हॉस्पिटल से। जैसे कि हम हर वीडियो में नेचुरल हर्ब्स के बारे में बात करते हैं, तो आज हम बात करने वाले हैं लौंग के बारे में। लौंग का आप अक्सर यूज़ करते हो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, बट हमें इसके डोजेस के बारे में, इसके बेनिफिट्स के बारे में पता नहीं रहता है। तो आज हम उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले, जब भी आपको आपके दांत संबंधित कोई भी दिक्कत रहती है, अगर आपको दर्द रहता है या आपके दांत में कीड़ा लग जाता है, तो हम लौंग का ही यूज़ करते हैं। आप या तो लौंग का तेल यूज़ कर सकते हो, या आप एक से दो लौंग चबा सकते हो, तो उससे आपका दर्द भी कम होगा। इसके साथ साथ अगर किसी को हाथों से या पैरों से बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो भी आप लौंग का सेवन कर सकते हो। अगर किसी को खांसी रहती है, खांसी बार बार आ रही है, तो भी आप लौंग का सेवन कर सकते हो। साथ में किसी को उल्टी का मन रहता है, किसी का डाइजेशन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव नहीं है, उसको दिक्कतें रहती है, डाइजेस्टिव रिलेटेड इश्यूज़ रहते हैं, तो भी आप लौंग का सेवन कर सकते हो। बट आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने ज़्यादा भी लौंग का सेवन नहीं करना है, कई बार ये लीवर को भी डैमेज कर सकता है। तो इसीलिए आपने लौंग का कितना सेवन करना है, सिर्फ आपने 2 से 3 लौंग लेने हैं और अच्छे से चबाने हैं सुबह सुबह खाली पेट, तो ये आपकी सारी की सारी दिक्कतों पे आराम करेंगे। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, लौंग का वैसे भी हम चाय बनाते हैं, तो हम चाय में भी लौंग का यूज़ करते हैं, बट आपने चाय नहीं लेके आपने ग्रीन टी लेनी है। जब भी आप कभी भी किसी भी चीज़ की ग्रीन टी बनाएं, जैसे तुलसी है या दालचीनी है, तो उसमें एक लौंग ज़रूर डालें। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें थी लौंग के बारे में। अगर आप नेचुरल हर्ब्स के बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारी वीडियोज़ को देखते रहिए और हमें फॉलो करते रहिए। धन्यवाद। तो चंडीगढ़ में जो अभियान शुरू हुआ था, अब गुड़गांव, अमृतसर, दिल्ली, जलंधर, जयपुर, जोधपुर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर, कई शहरों में हिम्स शुरू हो चुका है। हिम्स की ब्रांचेस शुरू हो चुकी हैं। अब हमें सिर्फ आपकी मदद चाहिए। भाई राजीव दीक्षित की याद में ये हिम्स शुरू हुआ था। भाई राजीव दीक्षित चाहते थे पूरे विश्व में आयुर्वेद का डंका बचे, आयुर्वेद की वजह से भारत विश्वगुरु बने। हमें आपकी मदद चाहिए। हर किडनी पेशेंट, लीवर फेल के पेशेंट और कैंसर के पेशेंट तक इस वीडियो को पहुंचाइए और भारत को विश्वगुरु बनाने में हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।